हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अंशुल माल। और काफी दिनों बाद आपके लिए और नई वीडियो लेके आ रहा हूँ भाई आज मैं। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी i20 को लेकर। तो जो भी भाई i20 सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढ रहे हैं पेट्रोल या डीजल, मेरी वाली डीजल है 2016 मॉडल एस्टा वेरियंट है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ इसके हिडन फीचर्स बता देता हूँ, जैसे बहुत या और भी कोई जो यूजर्स हैं उनको भी जो है काफी फीचर्स नहीं पता होते, जो हिडन फीचर्स हैं i20 के, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके MID के सारे कंट्रोल्स बताऊंगा, मतलब MID में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं और कैसे आपको उसको यूज करना है, वो सब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इतने आप क्या करना है, आपको जितने मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो में, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें ऐसा इंटरफेस मिल जाता है ऑन करने पे, ठीक है। तो भाई जो पहला हिडन फीचर है ना i20 का, वो ये है। वैसे हो सकता है कि ये काफी लोगों को पता हो, हिडन भी नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये काफी लोगों को पता नहीं होगा। जैसे एस्टा है तो इसमें मिलेगा, जो और मैं फीचर्स बताने वाला हूँ ना, वो इस मॉडल में कुछ फीचर जो है वो टॉप मॉडल के होंगे, मतलब एस्टा के, और कुछ जो आपको लोअर वेरिएंट्स में भी देखने को मिलेंगे। तो पहला फीचर है अपना, जैसे ही आप विंडो को रोल डाउन करेंगे और जैसे आप अगर इसको अप करते हैं और अगर कोई बात कर रहा होता है, ये देखिए, और उसका हाथ फंसा, तो एंटी पिच विंडोज जो है इसमें दी गई है ड्राइवर साइड की बस, ठीक है। तो उसका हाथ कभी दबेगा, विंडो अपने आप से जो है रोल डाउन हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा एक फीचर। और जो सेकेंड फीचर है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने वाइपर ऑन करे हुए हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, वाइपर ऑन कर रहे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम वाइपर ऑन है, और आप बैक साइड में देखिए यहाँ पे रियर वाइपर जो है अभी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है रियर वाइपर ऑफ है। तो आप देखिए जैसे ही मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, लग गया रिवर्स गियर, और आप देखिए रिवर्स गियर लगने के बाद जो है आपका रियर कैमरा भी जो है चलने लगा है। और देख लीजिए आप यहाँ पे रियर कैमरा और रियर वाइपर जो है ऑफ है, और वहाँ पे रियर वाइपर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ पे है ये, ठीक है, और वहाँ पे देखिए वो चल रहा है। और जैसे मैं इसको देखिए न्यूट्रल करूँगा, वो जो है बंद हो चुका है और फ्रंट वाइपर्स हमारे काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये एक फीचर है, और एक फीचर मैं आपको अब और दिखाता हूँ। गाड़ी काफी दिन बाद स्टार्ट हुई, बहुत लंबा चल रही है, ठीक है। तो भाई जैसे अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, अब अभी हम कहीं से चल के आए हैं, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, आके अपनी गाड़ी को ऑफ करेंगे, ठीक है, ऑफ करिए, ठीक है, पूरी पावर कट हो जाती है। लेकिन देखिए अभी भी जो है इसकी आप विंडोज जो है नीचे कर सकते हैं, कोई भी, उधर की भी हो रही है, ये देखिए ऊपर भी हो रही है और ये भी हो रही है। तो ये एक हिडन फीचर है, काफी लोगों को पता नहीं होता है। आप 30 सेकंड्स तक जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं विंडोज को i20 में, ठीक है। 30 सेकंड तक ऑफ करने के बाद, इग्निशन ऑफ करने के बाद आप 30 सेकंड्स तक भी जो है विंडोज में पावर रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब तक आपने ड्राइवर साइड गेट ना खोला हो। देखिए अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। हम गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम गाड़ी को ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिया। अब देखिए अब मैंने जो है ड्राइवर गेट खोल दिया, अभी देखिए अब कोई भी विंडो जो है काम नहीं करेगी। तो ये हिडन फीचर है, जब तक आप ड्राइवर साइड गेट नहीं खोलते हो आपका जो है जल्दी ये विंडोज में पावर रहती है 30 सेकंड्स तक, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम अगले फीचर की। तो भाई जो हमारा अगला फीचर है ना, वो हमारा रहने वाला है बूट के लिए। ये देखिए आप बूट को जैसे ही ओपन करते हैं, ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसा एरो मिली हुई है, एरो बनी हुई है, और गाड़ी का बूट ओपन का निशान है। तो अगर आप कभी अंदर से फंस जाते हैं, बाहर से अंदर गाड़ी में लोग हो जाते हैं, तो आप यहाँ से चाबी डाल के, ये एमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है, एमरजेंसी, यहाँ से अपनी चाबी में से फिजिकल की निकाल के इसको राइट स्वाइप कर देंगे तो आपका जो है बूट ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से निकल सकते हैं अगर आप कभी कहीं पे फंस जाते हैं तो। उसके लिए फीचर है, ये भी एक हिडन फीचर है जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, एक सेफ्टी फीचर में ये आता है आपका, ठीक है। गाड़ी इस टाइम बहुत गंदी हो रही है। और जो भाई अगला फीचर है ना वो है ये, दिखाता हूँ आपको, जैसे लॉक करने पे जो है इसके ORVMs फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करने पे जो है ORVMs अनफोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को ना इससे दिक्कत होती है,
कि भाई हम नहीं जाते हर बारी कि जो जो जिन लोगों की मतलब गाड़ी ज़्यादा चलती है तो ये ज़्यादा यूज़ होंगे तो ख़राब होने का भी डर रहता है। हालांकि मेरी गाड़ी अभी तक तो ख़राब नहीं हुई है, ना कोई आज तक दिक्कत आई है, बट कुछ लोगों को चाहिए होता है कि पार्किंग में कई बार अड़ जाते, ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको ना अंदर से आप जो है फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए अब ये फोल्ड हो गए, बस यहाँ से आपको क्या करना है, आपने यहाँ से ऑफ कर दिया इनको फोल्ड करके अंदर से, और उसके बाद जो है आप गाड़ी को अनलॉक करिए। अब देखिए अगर हम लॉक अनलॉक करेंगे तो ये जो है ओपन नहीं हुए हैं, तो देखा आपने। अब आप जैसे ही अंदर जाकर यहाँ पे थोड़ा पिलर आ रहा है ना, टाइट स्पेस अंदर घुस, आज गाड़ी गलत लगी हुई है। और अभी क्या है, आप गाड़ी स्टार्ट करोगे या मतलब नहीं भी करोगे तो अगर आपको अब चलना है तो आप यहीं से जो है अंदर से जो है अनफोल्ड कर सकते हैं मिरर, और ये फटाफट जो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, ठीक है। ऑटो हेडलैम्प्स बंद थे इसलिए जो इन लोगों ने पर लाइट नहीं जली थी, ऑटो हेडलैम्प्स भी आते हैं एस्टा में, ठीक है भाई। तो जो भाई जिसके पास आइडेंटिटी अगर उनको ये फीचर्स पता दे तो कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा फीचर आपको पता था और कौन सा नहीं पता था। क्या पता आपने कुछ नया सीखा हो आज, बहुत टाइम से लोग गाड़ी यूज़ करते लेकिन उनको नहीं पता लग पाता है ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई तो इस वीडियो में मैं इतने रखूँगा, ठीक है। होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको इसके MID फीचर बताऊँगा जो लोग सेकेंड हैंड खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है वीडियो, ठीक है। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच भाई।